हेलो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस मौसम में हमने बहुत सारी लिक्विड वाली चीज़ें बनाकर पी ली हैं। आपने आमपना भी बहुत बार बनाकर पी लिया होगा। अगर आपने मेरी ट्रिक से अगर आमपना बनाकर पिया तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो आमपना की रेसिपी हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 4 आम लिए हैं, एकदम कच्चे आम हैं। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो पार्ट है ब्लैक वाला इसे हम कट कर देते हैं। जो 4 कच्चे आम आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे तो बहुत सारा आम पना बन जाता है, कम से कम 8-10 जने इसे पी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें ले चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। इसको ऑन करके हमने रख दिया इसमें प्रेशर कुकर। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी और जो कच्चे आम थे इन्हें भी डाल देते हैं। हमें पानी इतना डालना है कि जो आम हमारे अच्छे से डूब सकें और कवर कर देते हैं इसे। 1 से 2 विसिल्स आ जाएं तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 विसिल्स आ चुकी है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और बंद होने के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। 1 सीटी में काफ़ी अच्छे से आम है, अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। इन आमों को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। काफ़ी अच्छे से आम हमारे बॉईल हो गए हैं और इनमें हल्का सा क्रैक भी आ गया है। बस 1 सीटी लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर आपने लगा ली तो आम सारे फट जाएंगे और जो इसका अंदर का जो पल्प है पूरा पानी में मिक्स हो जाएगा। अभी आम थोड़े गर्म हैं, जब ये ठंडे हो जाएं तब इसका जो छिलका है हम उन्हें निकाल देंगे। देखिए आम काफ़ी अच्छे ठंडे हो गए हैं, इसका जो कवर है ऊपर वाला हटा लेते हैं। इन्हें भी हमें फेंकना नहीं है, अभी साइड में रख देते हैं। ये देखिए 4 जो आम थे उन्हें हमने साइड में रख लिया है और जिसका छिलका है ऊपर वाला इसे हमें फेंकना नहीं है। या तो आप एक नाइफ की सहायता से इस प्रकार से जो इसका पल्प है ऊपर वो निकाल लीजिए। तो आपको एक बाउल में पानी लेना है, जो हमने आम को छिलकर रखा है उसे हम डाल देते हैं इस पानी में। हाथों से अच्छे से इस प्रकार से मैश करते हुए इसका जो पूरा पल्प है निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमने पानी में पल्प निकाला है इसे हम डाल देते हैं किसी ग्राइंडर जार में। इसे हमने सेम बाउल में थोड़ा सा पानी और लिया है और जो छिलके थे उन्हें भी हम डालते हैं इस प्रकार हाथों से इसका जो पल्प है निकाल लेते हैं। आप अगर नाइफ की सहायता से निकाल सकते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं आप। ये देखिए इतना पल्प और निकल गया इसमें। फ्रेंड्स इसका जो पल्प है आम का और इनके छिलकों का आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। अभी इसे हमें ग्राइंडर जार में डालना नहीं है, वापस से हम ग्राइंडर जार ले लेते हैं। हम डाल देते हैं पुदीना। पुदीना से आम पना काफ़ी टेस्टी लगता है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी चीनी, क्योंकि आम थोड़े ज़्यादा खट्टे होते हैं इसलिए इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं। 8 से 10 इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब की वजह से पुदीना का कलर है वो चेंज नहीं होता है और जो हमारा आम पना है काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने आम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जो हमने छिलके से पल्प निकाल कर रखा था वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। जितना हम थिक पल्प निकालेंगे उतना ही अच्छे से ग्राइंड होगा। अगर आपने थोड़ा इसको पतला कर दिया तो पतले की वजह से ये बाहर की तरफ आ सकता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से इसे पीसना है। सारे पल्प को हम छान लेते हैं किसी बर्तन में और बर्तन के ऊपर हम रख देते हैं स्ट्रेनर। जो पल्प है इसे हम छान लेते हैं। इसका जो पल्प है वो नीचे की तरफ निकाल लेते हैं, इसे हटा देते हैं और दोबारा से थोड़े से पानी में डालकर इसका जो रस है वो भी निकाल लेते हैं। और जो बचा हुआ पल्प है इसे भी स्ट्रेनर में डाल देते हैं। पल्प है इसे हमें फेंक देना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये गाढ़ा पल्प मिला है आम और पुदीना का। इसे हमें सर्व कैसे करना है पूरी वीडियो को आप वॉच करिए। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला है, जब भी आपको पीना हो तब आप इसे सर्व करें और इसे फ्रिज में आप उठाकर रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे हमें सर्व कैसे करना है। आम पना को अब हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं काला नमक और साथ में डाल देते हैं भुना हुआ जीरा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
गर्मियों का ठंडा ठंडा कूल कूल समर स्पेशल ड्रिंक बनकर तैयार है। गार्निश कर देते हैं पुदीने के पत्तियों से। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। Cheers!